गुड इवनिंग एंड वेलकम। रात के 9 बज चुके हैं, वक्त भारत एट 9 का है। मैं हूं आपके साथ काविंद्र चौहान। सुबह के 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक देश में पूरे दिन एक ही सबसे बड़ी घटना थी, वो थी अरविंद केजरीवाल और उनकी 4 गुना ऑक्सीजन डिमांड की हेरा फेरी। मुझे कोई डर नहीं है ये कहने में कि अगर केंद्र में कोई ड्रामा विभाग हो सकता है तो उसका चेयरमैन 4 दिन के अंदर अरविंद केजरीवाल जी को बना देना चाहिए। दर्शकों, सारी नौटंकी उस वक्त की गई जब लोग मर रहे थे और मिस्टर सीएम अरविंद केजरीवाल सिर्फ ब्लेम गेम में मस्त थे। केंद्र सरकार के साथ वो ब्लेम गेम आपके लिए नहीं था, वो था अपनी राजनीति करने के लिए कि कैसे इस वक्त का सही इस्तेमाल करके कुछ वोट इन कैश किया जा सके। दर्शकों, अप्रैल के आखिरी हफ्ते में जब दिल्ली में 25,000 कोरोना पॉजिटिव केस आ रहे थे, तब दिल्ली के अस्पतालों के बाहर लोग मर रहे थे। कोई अस्पताल से उनको बाहर देखने भी नहीं आता था। हमने खुद सड़क पर जाकर उनकी बात सुनी और दिखाई, लेकिन मिस्टर सीएम अरविंद केजरीवाल अपनी ड्रामा ब्रिगेड के साथ ड्रामा करते रहे। अरविंद केजरीवाल ने नेता बनने से पहले, आपको बताता हूं मैं, सुनिएगा, नेता बनने से पहले देश के लगभग हर बड़े नेता मंत्री पर गंभीर आरोप लगाए थे, फिर बाद में राजनीति में आने के बाद सभी से माफी मांग ली। मैं आपको बताता हूं अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में क्या क्या ड्रामा किया। अरविंद केजरीवाल ने बिना किसी प्रूफ के मिड मई में हवा में बोल दिया कि तीसरी लहर में सिंगापुर वेरिएंट आने वाला है, वायरस जो बच्चों को संक्रमित कर सकता है, उसको लेकर कह दिया कि यह सिंगापुर वेरिएंट है। मिस्टर अरविंद केजरीवाल जी, आप IRS अधिकारी रहे हैं, डॉक्टर नहीं। आपके इस एक ट्वीट से विदेशों से रिश्ते खराब हो सकते हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स होती हैं, शायद ना पता हो, लेकिन नहीं, आपको फर्क पड़ता है वोट से, बच्चों पर भी राजनीति करते हैं। खैर, आज जो कुछ हुआ उसके बाद अरविंद केजरीवाल की भी सफाई आई है। इस ट्वीट को आप पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे कोई फिल्मी सीन शूट हो रहा हो, सीन 1 टेक 2, कैमरा एक्शन। दर्शकों, ट्वीट था जो उन्होंने किया, जिस पर मैंने भी बात की। उन्होंने ट्वीट में लिखा है, मेरा गुनाह यह है कि मैं अपने 2 करोड़ लोगों की सांसों के लिए लड़ा जब आप चुनावी रैली कर रहे थे। मैं रात भर जागकर ऑक्सीजन का इंतजाम कर रहा था, लोगों को ऑक्सीजन दिलाने के लिए मैं लड़ा, गिड़गड़ाया, लोगों ने ऑक्सीजन की कमी से अपनों को खोया है, उन्हें झूठा मत कहिए, उन्हें बहुत बुरा लग रहा है। दर्शकों, अरविंद केजरीवाल की हर तरह एक राजनीतिक ड्रामे को देश ने बर्दाश्त किया है, लेकिन आज रात ये बहुत आगे निकल गई है। और दर्शकों, आपसे सीधे 1-to-1 बात करता हूं, अरविंद केजरीवाल एक ऐसे नेता हैं जो चुनावों की दिवाली समझते हैं। मैं बताता हूं कैसे। जैसे दिवाली पर वो मार्केट में एक के साथ एक मुफ्त वाले ऑफर आते हैं ना, वैसे ही केजरीवाल जी भी चुनाव आते ही ये फ्री, वो फ्री, वो फ्री, सब फ्री वाले ऑफर लेकर आ जाते हैं। मतलब फ्री वाईफाई, फ्री वाटर, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री सेप्टिक टैंक, फ्री क्लीनिंग बसेस, फ्री राइड्स, फ्री एग्जाम, फ्री सब कुछ, मुफ्त, मुफ्त, मुफ्त। दोस्तों, ये सब बेवकूफ बनाने की बातें हैं। ये उसी तरह से है जैसे कि चुनाव से पहले मुफ्त में शराब बांटना या नोट बांटना। दोस्तों, आज ऑक्सीजन पर क्या कुछ झूठ पकड़े गए हैं सब कुछ बताएंगे, लेकिन उससे पहले आज मैं पूछना चाहता हूं अपने दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से कि आप कौन होते हैं जो देश के 135 करोड़ लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करते हैं। आप कौन हैं जो दिल्ली की जनता की नहीं अपनी राजनीतिक फायदे को पहले रखते हैं। जब दिल्ली वासियों ने अपनी आंखों से अप्रैल मई में 23 साल के एक नौजवान से लेकर 73 साल के एक बुजुर्ग को ऑक्सीजन के लिए तड़प तड़प कर मरते हुए देखा है, और आपको भी देखा, आप ज्यादा इंटरेस्टेड थे अरविंद केजरीवाल जी की प्रधानमंत्री की मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग को चुप्पा चुप्पी लाइव कर कुछ माहौल बना दो, लेकिन दुर्भाग्य से आपका मखौल बन गया। खैर, पूरे दिन ट्विटर से लेकर टीवी तक इस बात पर चर्चा गर्म रही। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने इस मामले को लेकर क्या कुछ कहा, सुनिए। जब यह रिपोर्ट, इंटरिम रिपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन ऑडिट इन NCT ऑफ दिल्ली, आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट में केस चला था ऑक्सीजन को लेकर। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि जितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट दिल्ली सरकार की है, केंद्र सरकार उतनी ऑक्सीजन उसे मुहैया नहीं करा रही। इन सब विषयों को सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑक्सीजन ऑडिट पैनल, सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्धारित किया था, सुप्रीम कोर्ट ने इस पैनल को स्थापित किया था।
कि जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट दिखाई गई थी दिल्ली सरकार द्वारा, अरविंद केजरीवाल जी द्वारा, वो चार गुना बढ़ा करके दिखाई गई थी, 4 times इन्फ्लेटेड ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बाय दिल्ली। दिल्ली के अस्पतालों ने वास्तविक रूप में अपने चरम पर कितना ऑक्सीजन इस्तेमाल किया उस दिन का, तो मालूम पड़ा वो मात्र 209 मेट्रिक टन था। कहां अरविंद केजरीवाल जी कह रहे थे हमें आवश्यकता है 1140, और कहां वो 209 निकला। आप बताइए, चार गुना बढ़ा करके ये ऑक्सीजन सड़क पे खड़ी रही, ये ऑक्सीजन स्टोरेज प्लेस में ही रह गया। आप सोचिए, अगर यही ऑक्सीजन उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, राजस्थान में, दूसरे राज्यों में इस्तेमाल होता तो कितने लोग बच सकते थे, आप सोचिए। ये अरविंद केजरीवाल जी द्वारा जघन्य अपराध है, ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। तो दर्शकों, बारीकी से खबर समझाऊं तो अप्रैल और मई में कोरोना की दूसरी लहर ने दिल्ली को बुरी तरह से प्रभावित किया था। सांस के लिए हांफते दिल्ली और देश के अन्य राज्यों के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी के चलते कई लोगों की मौत हो गई थी। दिल्ली में ऑक्सीजन संकट के बिगड़ने के साथ शहर की सरकार ने केंद्र से टनों ऑक्सीजन की मांग की थी। दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी और ऐसी खबरों की बाढ़ आ गई थी। कोई अस्पताल कहता था कि 2 घंटे की ऑक्सीजन बची है, कोई कहता था कि 4 घंटे की ऑक्सीजन बची है। इस बिगड़ती व्यवस्था के बीच सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और एमआर शाह ने 7 मई को 12 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन करने का आदेश दिया था और ऑक्सीजन का जो वितरण किया जा रहा है उस पर ऑडिट रिपोर्ट मांगी थी। अब शुक्रवार को यानी कि आज इस टास्क फोर्स ने एक ऐसी रिपोर्ट सामने रखी है जिससे दिल्ली के सीएम बुरी तरह फंस चुके हैं। रिपोर्ट में लिखा है कि दिल्ली सरकार ने जरूरत से 4 गुना ज्यादा ऑक्सीजन ली है, जिससे देश के और 12 राज्यों को नुकसान हो चुका है। मतलब बाकी राज्यों के लोगों को ऑक्सीजन की किल्लत के चलते दम तोड़ना पड़ गया। जब दिल्ली को जो ऑक्सीजन दी गई थी वो 4 गुना ज्यादा थी, मतलब दिल्ली में अस्पतालों में जितनी ऑक्सीजन को टोटल इस्तेमाल किया जा सकता था उससे 4 गुना ज्यादा। दर्शकों, इस ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली को उस वक्त करीब 300 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत थी, लेकिन दिल्ली सरकार ने मांग बढ़ाकर 1200 मीट्रिक टन कर दी। टास्क फोर्स ने यह भी कहा है कि 29 अप्रैल से 10 मई के बीच दिल्ली में ऑक्सीजन की खपत को कुछ अस्पतालों द्वारा रिपोर्टिंग में हुई भारी गलती के कारण सही किया जाना था, ऐसी टिप्पणी की है। दिल्ली सरकार ने दिखाया कि अस्पतालों द्वारा बताई गई वास्तविक खपत 1140 मीट्रिक टन थी। गलतियों में सुधार के बाद ऑक्सीजन की आवश्यकता घटकर 209 मीट्रिक टन रह गई। वहीं ये जनता के मुद्दे हैं, जनता के लिए होने चाहिए लेकिन नहीं। हर कोई राजनीति में मशगूल है, बीजेपी ने भी इसे मौका ही समझा और लग गए राजनीति करने। बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा है कि जैसा कि आपने सुना भी थोड़ी देर पहले जो हम लोगों ने बाइट चलाई थी कि दिल्ली सरकार के फॉर्मूले के अनुसार दिल्ली को 351 मीट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन की जरूरत थी, जबकि केंद्र सरकार के अनुमान के अनुसार यह 289 मीट्रिक टन थी। उन्होंने आगे कहा कि केवल 200 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का उपयोग किया गया था, जबकि केजरीवाल ने 1140 मीट्रिक टन की आवश्यकता का अनुमान लगाया था। तो दर्शकों, आज रात यह बहुत हो चुका ब्लेम गेम, इनफ इज इनफ। अब देखिए, जैसे वैक्सीन को बीजेपी की वैक्सीन बता दिया गया, वैसे ही अब इस रिपोर्ट को भी फर्जी, गलत, सोचने समझने, इमेजिनरी बता दिया गया और अपने बॉसेस को बचाने के लिए सामने आ गए उनके सिपाही उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, सीधे इस रिपोर्ट को झूठा बता दिया है। मनीष सिसोदिया ने कहा है कि ऐसी कोई रिपोर्ट है ही नहीं। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है, हमने सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी के सदस्यों से बात की है। उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसी किसी रिपोर्ट पर हस्ताक्षर या अनुमोदन नहीं किया है। फिलहाल अब क्या चल रहा है, तो अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त नेशनल टास्क फोर्स ने देश के लिए ऑक्सीजन की जरूरतों को निर्धारित करने के लिए एक फॉर्मूला बनाया है। एग्जाम्पल से समझाता हूं, समझिए। एनटीएफ ने सुप्रीम कोर्ट को सौंपी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 25% आईसीयू बेड वाले 100 बिस्तरों वाले अस्पताल के लिए आवश्यक 1.5 मीट्रिक टन तरल चिकित्सा ऑक्सीजन, जिसको कि हम LMO बोलते हैं, एक सूत्र है जिसकी जांच की जा सकती है। ये उन लोगों का फॉर्मूला है। खैर, ये तो हुई पूरी कहानी जिस पर दिन भर घमासान रहा है, खूब बातें हुई, खूब चर्चा हुई, लेकिन एक बार सोने से पहले चैन से सोचिएगा, ड्रामा की भी कोई लिमिट होती है या नहीं। कल एक बार फिर एक नए मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात होगी और उस पर खूब बात होगी। तब तक देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। धन्यवाद।